राधे राधे दोस्तों, हो चुकी है एक नई सुबह। अभी आज मैं अभी जा रहा हूँ अपने पाकि बिहारी जी के दर्शन करने। उनके दर्शन करके जैसे ही मैं आता हूँ फिर मैं चलूँगा निधि वनों कोपेश्वर महादेव। फिलहाल अभी की अपडेट ये है कि कल शाम में राधा के लिए मुझे मेरा जूता चोरी हो गया, तभी मुझे जूता या चप्पल कुछ भी लेना है। चलो दर्शन करके मिलता हूँ आपको सीधा निधि वन में। हर महादेव, राधे राधे। पाकि बिहारी जी के एंट्री गेट है यहाँ से, यहाँ पर गाड़ियाँ नहीं जाती, पैदल जाना होता है। यहीं पर ये जूता घर बना हुआ है, बट मेरा सजेशन ये है यहाँ जूता मत उतारना आप। यहाँ पे बहुत मारामारी है जूते लेने के लिए। आप जूता या तो अपने होटल में छोड़ के पैदल पर यात्रा करके आओ, वो सबसे अच्छा है। नहीं तो किसी फल जो प्रसाद वाले होते हैं, प्रसाद वाले के पास जूता उतार सकते हो, वो बेटर होगा। चलो राधे राधे। सुबह सुबह मैं आ गया हूँ ढोकले का नाश्ता करने। यहाँ पे इनके पास चाट टिक्की फुल्की चाय भी है। चलो ढोकला खाता हूँ मैं, फिर आगे बढ़ता हूँ। आप जब भी आते हो वृंदावन यहाँ की कचौड़ी खाना मत बोलना। कचौड़ी और सब्जी यहाँ की बहुत ही फेमस है। ये परिक्रमा वाला मार्ग ही है। चलो मिलते हैं निधि वन में। ये निधि वन का रास्ता इधर है, बट यहाँ से ये लिफ्ट जाने वाला रास्ता गोपेश्वर जाता है। पहले मैं गोपेश्वर जा रहा हूँ, नहीं मंदिर 12 बजे बंद हो जाता है। गोपेश्वर होके आता हूँ, फिर हम निधि वन चलते हैं। बोलो राधे राधे। गोपेश्वर वाले रास्ते पे भी काफ़ी भीड़ है, संडे होने की वजह से बहुत सारे लोग आए हुए। चलो भोलेनाथ के दर्शन करके आते हैं। ये गोपेश्वर वाले रास्ते पर ही राधा रमण जी का मंदिर पड़ता है, जो कि मैं दिखाता हूँ आपको। अभी मैं आ गया हूँ राधा रमण मंदिर में दर्शन करने के लिए। चलो राधा रमण मंदिर दर्शन कर लेता हूँ। इस बार राधे की कृपा कुछ ऐसी हुई है ना कि एक साथ बहुत सारी मंदिर कवर होते जा रहे हैं, शायद आप लोगों के लिए भी ये चीज़ें हो रही हैं। चलो बोलो राधे राधे। दोस्तों राधा रमण जी के दर्शन मुझे हो चुके हैं, तो मैं जैसे ही अंदर गया वैसे ही कपाट बंद हो गए भोजन स्नान के लिए। फिर उन्हें जब भूख लगा, भूख लगने के बाद जो दोबारा से कपाट खुला तो मैं सबसे सामने खड़ा था, और बहुत ही ज़्यादा अच्छे दर्शन हुए, मैं बता नहीं सकता, आंखें भर आई थी। ये राधा रमण मंदिर के बगल दाएं में जो रास्ता है, ये रास्ता को फिसल जाता है। जब भी मंदिर अंदर आओ आप, पहले राधा रमण मंदिर पड़ेगा, उसके दाएं वाली जो गली है वो गोपेश्वर जाएगी। चलो चलते हैं। गोपेश्वर मंदिर आने वाला है, उसके पहले ये खूबसूरत सा पुराना भवन दिखा, मैंने सोचा आपको दिखा देता हूँ। और इस तरह के सारे स्ट्रक्चर बहुत ही पुराने हैं और बहुत खूबसूरत है। ये है गोपेश्वर महादेव जी का मंदिर, ये सामने जो दिख रहा है। मंदिर के बाहर थोड़ी भीड़ है, अंदर उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है। 5 मिनट के अंदर ही मेरे दर्शन हो गए, आप भी जब आओगे ऐसे दर्शन हो जाएंगे। चलो अब आगे निधि वन चलते हैं। हर हर महादेव। निधि वन के मुख्य गेट पे मैं आ चुका हूँ, यहीं से निधि वन की एंट्री होती है। चलो चलता हूँ अंदर, तुम्हें देखते हैं। अंदर मैं आ चुका हूँ, अंदर ये जूता स्टैंड बना हुआ है साइड में, जूता स्टैंड के बगल से ये गेट है। चलो अंदर चलते हैं। बोलो राधे राधे। जैसे उम्मीद थी उम्मीद से कहीं ज़्यादा भीड़ निधि वन में इसमें घूमते रहो, राधे राधे करते रहो। बहुत भीड़ है राधे, लोग दबा दबा दे रहे हैं। क्या चलो यहाँ आगे थोड़ी सी कम है, मैं जल्दी निकलता हूँ। प्रेम मंदिर के बाहर मैं आ चुका हूँ, अभी टाइम हो रहा है 4:15, गेट 4:30 बजे खुलेगा। बाहर भीड़ बहुत है। जगत गुरु कृपालु जी का ये प्रेम मंदिर। चलो गेट खुलता है, मैं अंदर चलता हूँ, फिर अंदर से भी दिखाता हूँ आपको। प्रेम मंदिर परिसर में मैं आ चुका हूँ, यहाँ की खूबसूरती देखते ही बन रही है। चलो मैं बोलूँ क्या आपको, दिखाता हूँ और आप बस देखो, बोलने का मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। आप देखना चाहते हो आप देखो, मैं दिखाता हूँ।
ये मंदिर के गेट के सामने, फ्रंट गेट के सामने मंदिर के गोवर्धन पर्वत का बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर चित्रण किया गया है। आप खुद ही देख लो मैं बोलूँ क्या। और सामने ये मंदिर, यहाँ पे एक काम जो मैं कर रहा हूँ वही काम सारे कर रहे हैं। कोई मंदिर की खूबसूरती को आंखों से नहीं देखना चाहता, हर कोई बस फोटो वीडियो सेल्फी रील्स शॉर्ट्स बनाने में लगा हुआ है। खैर चलो ये ट्रेंड में चल रहा है, अब क्या ही कहा जाए, सब कर रहे हैं, सबको करने दो, राधे राधे। खैर चलो, आई थिंक यहाँ का बहुत सारा कुछ मैं दिखा चुका हूँ आपको। अब आगे चलता हूँ इस्कॉन मंदिर और वहाँ मिलता हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है, यहाँ से जाने का मन नहीं हो रहा, मैं टाटा बाय कर रहा हूँ, बट लग रहा है क्यों कर रहा हूँ, जाना ही नहीं है मुझे यहाँ से। वाकई में बहुत खूबसूरत है। अगर आप प्रेम मंदिर देखने आ रहे हो ना तो आप मनगढ़ जरूर आना, कृपालु जी का धाम मनगढ़, वहाँ भी ज़रूर देखना, वो भी ऐसे ही बहुत खूबसूरत बना हुआ है। चलो राधे राधे। वीकेंड पे सामने रोड पे भीड़ देख रहे हो, अभी मैं प्रेम मंदिर से निकला हूँ, इस्कॉन ये सामने इधर है, बहुत भीड़ होती है। मेरे तो दर्शन हर जगह ठीक ठाक हो गए हैं, बट नॉर्मली कोशिश यही करो ना कि वीकेंड पर अवॉइड करो, छुट्टियों वाला दिन अवॉइड करो। जूते स्टैंड पे मैंने जूते जमा कर दिए, जूते जमा करने की बहुत मारा मारी है, बहुत भीड़ है। वीकेंड अवॉइड करो, कम्प्लीटली अवॉइड करो, वीकेंड से छुट्टी लेकर आओ वो बेटर है, फिर से अच्छे से होंगे। चलो राधे राधे, अंदर से दिखाता हूँ। इधर इस्कॉन के अंदर, इधर इस्कॉन के अंदर आ चुका हूँ मैं, भीड़ बहुत ज़्यादा है, क्या ही बोलूँ भाई। चलो मैं दिखाता हूँ, वापस देखो, बोलने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास, बस आपको दिखाने के लिए बहुत कुछ है, आप देखो और एंजॉय करो। कैंटीन वैंटीन बनी हुई है जहाँ पे आप पिज्ज़ा बर्गर चाय कॉफ़ी कुछ भी खा सकते हो, लोग खा भी रहे हैं। फिलहाल हम तो सस्ते में दर्शन करने वाले हैं, हम भंडारा ही खाएंगे, प्रसाद लेंगे आश्रम में जाके। चलो राधे राधे। मंदिर से बाहर निकलते ही यहाँ पे खिचड़ी प्रसाद मिल रहा है, प्रसाद मैंने भी अपना ले लिया है। वैसे जब आप वृंदावन में होते हो तो यहाँ पे बहुत सारे आश्रम मिल जाएंगे जहाँ पे आपको हमेशा सुबह शाम दोपहर फ्री में प्रसाद या खाना लंच डिनर जो भी बोलो वो मिल जाएगा। पर अभी फ़िलहाल मैं जिस होटल में रुका हूँ, मेरे होटल के पास है गौर गोपाल आश्रम, चल के अभी आपको दिखाता हूँ। वहाँ पे भी आप जब भी चाहो तब फ्री में खाना खा सकते हो, हालांकि खाना कभी फ्री में खाना नहीं चाहिए, खाने के बाद आपकी जो भी इच्छा हो 10, 20, 50, 100 आप अपनी क्षमता के हिसाब से वहाँ पर दान ज़रूर दे दें, क्योंकि वो जो खाना वहाँ बनता है वो कहीं ना कहीं से पैसा आता होगा तभी बनता होगा। जैसे मैंने प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम में कल शाम को भी और अभी आज दोपहर में भी भोजन ग्रहण किया, तो माफ भी कर सकते हो। ये हो गौर गोपाल आश्रम, यहाँ पे केवल खाने का ही नहीं, यहाँ पे आप रुकने की भी फ्री में व्यवस्था है, यहाँ पे आप नीचे फ्री में रुक सकते हो और खाना खा सकते हो, पर इतना फर्क नहीं पड़ता है। गौर गोपाल आश्रम पश्चिमा पथ पर ही है, जब भी आए दर्शन करें, फ्री में रुकें और फ्री में खाना खाएं और राधे राधे जपते जाएं। हम अपने वृंदावन की वीडियो की एंड करते हैं, उम्मीद है आपको मज़ा आई होगी,
ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, राधे राधे बोलते रहना, जल्दी मैं कोई दूसरा वीडियो लेके आऊँगा। चलो सब तो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।